जी नमाज में सना सुभानक अल्लाहुम्मा यानी, और उसके बाद आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा और फिर एक सूरत पढ़ते हैं। बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो हर सूरत से पहले है वो हमारे यहाँ नमाज में या तिलावत में किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं है। पूरे कुरान में अगर कोई तिलावत यहाँ से वहाँ तक कर रहा हो जैसे रमज़ान में, तो किसी एक सूरत से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बस पढ़ ले। तो आम हालात में चूँकि आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उस नमाज में सूरह फातिहा से पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, सना के बाद, और उसके बाद सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद अगली सूरत, उसमें बीच में बिस्मिल्लाह नहीं।